हरि ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्नो देहनागम महिमानः सजंत जत पूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मदेव बब्बा प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलरमया दत्तो ग्रहण परमेश्वरो प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। यजमान जी पुराण का पूजन करिएगा। ओम कृष्णाय वासुदेवायो हरये परमात्मने प्रणता क्लेश नाशायो श्री कृष्णाय वयम नुमा यम प्रवजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरहिकातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेन्दस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशुं नाम्पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वंदे भक्तजनाश्रयाश्च वरदं वंदे शिवं शंकरं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा
गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर नाथ की, हनुमान हरि की, अंजनी मैया की, नर्मदा मैया की, यज्ञ नारायण भगवान की, ब्रह्मदेव बाबा की, गैया मैया की, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने अपने यथा स्थान पर बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराणों की सप्ताह दिवस ज्ञान यज्ञ की विश्राम दिवस की पावन वेला नाथ समारंभं रामानंदाचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परम पर श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम 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 राम, 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 राम। साफ सी करो आवाज।
राम 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। राम 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 श्री राधे राधे परत्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुती विनंद पीतांबर धारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अबगड़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराज अवंतिका नाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंतानंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में अरुणी की परम सन्निधि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन बांके बिहारी की परम मंगलमयी चर्चा का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद संगीतक बंधु परमात्मा की अकारण करुणा अनंतानंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हुए और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला भैया श्री रिंकू सिंह जी राजपूत उनकी गृह स्वामिनी इस कार्यक्रम के आयोजक समस्त ग्रामवासी रोड़ा आसपास जहां जहां से भी आप सब पधारे हैं सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और साथ में और विश्राम दिवस की आप सबको जय सिया राम। परम श्रद्धे पूजपाद सरलता सहजता की प्रतिमूर्ति मड़ैया वाले पूज्य महंत जी महाराज आपके चरणों में दास नमन दंडवत प्रणाम करता है। परम विद्वान जय जय वेद वेदांग में दक्ष अपनी कार्यशैली से सबको अपना बनाने वाले ऐसे परम श्रद्धे इस रोड़ा की भूमि के लाल श्रद्धे श्री सुरेंद्र शास्त्री जी महाराज मैं दंडवत प्रणाम करता हूं और सभी भक्तों का खूब खूब मान है समस्त कार्यकर्ता बंधु तन मन और धन से इस कार्य में अपना सहयोग करने वाले समस्त श्रद्धालु भक्त वृंद आज हम लोग विश्राम बेला में प्रवेश करने वाले हैं। चलते चलते इस दास का फिर आपसे वही निवेदन है ये दादाजी बैठे हम तो अचंभे में रह गए हमें हमारे पिताजी कहां से आ गए हम जब से देख रहे बार बार हम आपको वही फोटो बते हैं आप टच नहीं कर सकते कि आपकी आए कि हमारे पिताजी की
हम बार बार जब संघ और से देख रहे हैं कि पिताजी कहां से आ गए, हमारी बात नहीं भाई है। अब हम फोटो बताएं आप मिली हम से उतार के देखो गौर से। देखो राहुल हम तो एकदम चूक गए, हमने कहा पापा कहां से आके बैठ गए थे। महाराज जी कछु तो तना का अंतर हो, 1% को अंतर नहीं है। हम अभी आपको फोटो बताए हैं बिल्कुल जाइयो मार ऐसा ही बाल ऐसा ही दांत जो ही पैर वो उड़ वो बेबी हाफ कुर्ती पैरत बिना कालर की। और बिल्कुल जय उमर है पिताजी की देख ले रहा हूं, देखो लग रहा है वाह। आप सबसे यह दास यही निवेदन कर रहा है कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि सब शास्त्रों का पुराणों का उपनिषदों का संतों का महंतों का ज्ञानी का अज्ञानी का बस एक मत है कि भगवान का नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपने इतनी बड़ी रामायण बनाई तो उस रामायण में सबसे प्रमुख क्या है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामायण में सिर्फ एक चीज है, यह महा रघुपति नाम उदारा, इसमें भगवान के नाम की महिमा है। भगवान शंकर ने जीवन भर समाधि लगाई, उनसे पूछा कि आपने पूरे जीवन की समाधि में क्या अनुभव किया, तो वो भी एक ही बात कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। आज जिस ग्रंथ को आप लोग सुन रहे हो 7 दिन से लगभग आप सबको पता है इसमें 18,000 श्लोक हैं। जब श्री सुखदेव जी चलने लगे तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान आपने 7 दिन हमें इतने नियम बताए हैं मैं कर भी सकता हूं, पर मेरे पास इतना समय तो हो। आप जाओगे तक्षक आएगा हमें काटेगा, हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, अब हम कौन सा नियम कर लें क्योंकि समय नहीं है। तो भगवान आप मुझे पूरी भागवत का सार बता के जाओ। तो 18,000 मां जो श्लोक है भागवत जी का उसमें भागवत का निचोड़ रखा है। एक शब्द में सुखदेव जी ने पूरा सार कह दिया और वो एक शब्द कौन था आखिरी श्लोक, नाम संकीर्तनम यशो। भागवत का 18,000वां श्लोक है, नाम संकीर्तनम यशो सर्व पाप प्रणशनम। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित तनाव खींच दे भैया को खींच जाए। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित सब भूल जाना, बस भगवान का नाम लेते रहना, तुमसे कुछ ना बने कोई जरूरी नहीं है, बस एक बार प्रेम से परमात्मा का नाम लेते रहना, वो एक बार का नाम भी तुम्हें भव से पार कर देगा। और देखो आज विश्राम दिवस है, अब तुम लोगों की छुट्टी होने वाली है ना?
तुम उन्हें अब 7 दिन तक हमारी अस्पताल में भर्ती हते। 7 दिन से हम तुम्हारे भर्ती कर रहे थे। अच्छा, जब मरीज पहले दिना भर्ती होते है तो भारी दवाई होते होगी, जा जांच करवाओ, बा जांच करवाओ, जा रिपोर्ट ले आओ, जा बाटल लग है, चक्री कर दी डॉक्टर पहले दिना तो मरीज खोर मरीज के संगवारे को। पर धीरे धीरे दवाई कम हो जात है और जो दिन डिस्चार्ज होते है मरीज, वो दिन डॉक्टर बुलाऊ थे, बोले भैया अब तुम छुट्टी हो रही है तुम्हारी, मनो तुम बिल्कुल ठीक नहीं भाई, अब छुट्टी तो हम कर रहे हैं पर बिल्कुल ठीक नहीं भाई, बीच बीच में दिखाते रह जो कहते। तो डॉक्टर साहब दवाई, डॉक्टर कहते भैया और तो अब दवाई ज्यादा नहीं है पर ये गोली तो तुम्हें परमानेंट बन गई, अब आखिरी नौखा एक गोली तो तुम्हें लेना ही पड़ है। ऐसा ही जब पहले दिना तुम्हारे आए, हमने आते ही साथ इतनी खरी खोटी सुनाई तुम्हारे, सुनाई थी कि नहीं अच्छी कही थी हमने ने छोई पहले दिना, का ऐसे इलाज ज्यादा होते पहले दिना, धीरे धीरे हम सुधरत गए, हमने फिर ज्यादा नहीं कही जितनी पहले दिना कही थी, अब आज कर रहे हैं तुम्हारों की छुट्टी, तुम्हारे भी बिल्कुल ठीक नहीं भाई, अब इस बीच बीच में दिखाता रह जो, ठीक बीच बीच में दिखाता रह जो, मतलब जहां क्षेत्र में कहूं कथा हुए सो बीच बीच में होते जाता रह जो, जो आए बीच बीच में भगवान को दिखावो, ठीक। अब एक गोली तुम्हारी हम परमानेंट कर रहे हैं और जब आखिरी तक लेते रह जो, और पत्नी बोली कि जो भी दुकानदार सामान को रेट बतावे वो के आधे भर कर जज्जो, दुनिया को कोनो दुकानदार तुम्हें ठगा ही नहीं सका। एक ही दिमाग में बात बैठ गई, बरसात लगाई गई, मौसम कबहू भी अब पानी आ सका, जून को महीना चल रहा जो सवेरे गौ एक छत्ता ले वे, सो दुकानदार के पहुंचो, दुकानदार से बोलो कि भैया छत्ता तो बताओ, सो दुकानदार ने एक छत्ता दे दो, कितने को है, ये लगो 200 को। एक तुरंत खबर आ गई कि हमारी पत्नी ने कही थी कि आधे कर दियो, जो कहने लगो 100 में पर है, दुकानदार बोलो कि सुनो अब इतनी ग्राहकी है नहीं है, ने हमारी ने तुम्हारी आखिरी लग है 150, जो कहने लगो 75 दाएं, काजो को तो बाई खबर है कि घरवारी ने कह दई कि जो दुकानदार कहे सो आधे कर जइयो। दुकानदार बोलो के दिमाग ने खाओ भुंसरा से, बोनी को है टेम, लेने हुई लियो, ने लेने हुई ने लियो, आखरी लग है 100, जो कहने लगो 50 दाएं, काजो को तो बाई जम गई कि जो दुकानदार कहे वो के आधे कर जइयो। तेरे दुकानदार को गुस्सा आ गई कि अच्छो पगलाए आओ, हम जितने कह रहे जो वादे कर दे। दुकानदार बोलो अच्छा एक काम करो तो फ्री में ले जा, जो कहने लगो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए, फिर एक ने ले जाए। आज की कहानी प्यारे तैसी है, एक जिंदगी में उतार लियो, अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक जाता तो उसे छत्ता मिल जाता, सो पे तो बात आई गई थी। अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक जाता तो उसे बाजार का छाता मिल जाता, बस यही बात दिमाग में डाल लियो, जब एक भाव में रुके बगैर बाजार का छाता नहीं मिलता तो उस परमात्मा के भाव में रुके बगैर उसकी छत्र छाया कहां से मिल जाएगी, इसलिए उसके भाव में रुकना पड़ेगा, तब कहीं जाके उस परमात्मा की छत्र छाया में तुम बैठ पाओगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। उस एक परमात्मा के सहारे रहो, दुनिया का कोई सहारा नहीं है,
और दुनिया के जितने सहारे हैं प्यारे वो सब झूठे हैं। सच्चे संबंधी हमारे परमात्मा हैं। और जिस जिसको ये पता लग गया है वो दुनिया से दूर हो गया है। अभी अपनी हालत ऐसी है जैसे एक बिटिया रहते ना, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाए बस का सोचत है जे ही हमारे मम्मी जे ही हमारे पापा जे ही हमारे घर जे ही हमारी जायदाद। कब तक? जब तक को पति नहीं मिलो तब तक। और जो अंदर पति मिल जात बस समझ जात कि ये तो सब हम झूठे या फंसे थे जे हमारा असली संबंधी तो हमारा पति आए। विचार करना जो बेटी हमारे परिवार में पली बड़ी हो 10-20 साल तक और शादी के एक साल बाद अपनी मम्मी से कहते हैं कि मम्मी अब हम जा रहे हैं। बोले काय? बोले हमें भी अचार डालने हैं, हमें भी पापड़ बना के धन्य बस कारो लग रहो। बस समझ गई कि जो हम आओ घर नुआई। ऐसे ही इस संसार में जब तक इस आत्मा को परमात्मा रूपी पति नहीं मिला है वो संसार में फंसा है। और जिनकी आत्मा का संबंध परमात्मा से हो गया है वो संसार छोड़ करके मड़ैया का महंत बन के बैठ गया है, क्योंकि इनका संबंध वहां जुड़ गया है। इनको अब दुनिया अच्छी नहीं लगती। संतों को दुनिया अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि इनको पता लग गया है कि ये दुनिया झूठी है। मेरा पति मेरा परमात्मा है, मेरा सर्वस्व है। प्यारे उससे कोई ना कोई रिश्ता जोड़ लेना, भगवान से कोई ना कोई रिश्ता जोड़ लेना, वो सब बनने को तैयार है। महाराज जी ईश्वर सब बनने को तैयार है। अभी इसी इलाके में जिसके यहां 200-500 एकड़ जमीन हो बैठे होंगे लोग, 2-4 फोर व्हीलर हो, 1-2 ड्राइवर लगे हो। कल तुम उनके घर जाना और कहियो भैया हमारा ड्राइवर नहीं आ रहा हो, 1 हफ्ता को तुम हमारी गाड़ी ने चला दे, लेकिन 4 ड्राइवर लगे हो मात्र। वो तुमसे का कहे पता है? काय रे तुम्हारी इतनी औकात हो गई, हम खुद 4 ड्राइवर लगाए, हम तुम्हें ठाणे ठाणे खरीद लें। जय के है कि नहीं के है? पर बारे मेरे प्रभु जगत का मालिक है, ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ मालिक है। पर जब अर्जुन उसके घर गया, अर्जुन ने कहा मेरे ड्राइवर बनोगे? भगवान ने कहा बना लो, हम ड्राइवर बनने को भी तैयार हैं। वो सब बनने को तैयार है। तुम एक बार उससे अपना रिश्ता जोड़ो। एक बात और बताना, तुम लोग बैठे हो, तुम्हारा 20 साल का बेटा आज तुमसे घर है कि पापा पापा तुम ही बने रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कल से पूरे रोड़ा के सामने हम सब पापा कज्जो। कोनो अपने मोड़ा से बाप कह सकत गांव भर के सामने कि हमारे पापा जा रहे? बोलो नहीं कह सकता ना? पर बारे मेरे प्रभु महाराज मनु ने राम से कहा हे जगत पिता राम, पिता तुम ही बने रहना, पर अगले जन्म में तुम हमारे बेटे बनके हमसे पिताजी कहना। राम ने कहा बना लो, हम बेटा बनने को भी तैयार हैं। वो सब बनने को तैयार है। वो जीजाबाई के कंडा बन जाता है, मीरा के लिए जहर बन जाता है। तुम उससे रिश्ता जोड़ के तो देखो प्यारे। भगवान बड़े सरल हैं, भगवान कठिन नहीं है। भगवान से सरल इस दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। बस तुम जितने सरल होते जाओगे भगवान उतने सुलभ हो जाएंगे तुम्हारे लिए। और तुम जितने कठिन हो जाओगे भगवान तुम्हारे लिए उतने कठिन हो जाएंगे। तुम कितने सरल हो भगवान उतने जल्दी मिलेंगे। कहावत है कि भोरे को भगवान, तुम जितने भोरे हो उतने जल्दी ठाकुर जी तुम्हें प्राप्त हो जाएं। इसलिए हृदय का कपट त्याग करके, हृदय का छल त्याग करके
और निर्मल मन करके भगवान से संबंध जोड़ो, ठाकुर जी तुम्हें सहज और सुलभ प्राप्त हो जाएंगे। राम मद्दन करके भैया का करें यार, तुम्हारी भी गलती नन्या और हमारी भी नन्या, जब गर्मी पड़ रही हो 8 घंटा किए से चल रहा हो शरीर, बताओ मनुखे चरा हो इन संतों के चरणों की कृपा से। अच्छा महाराज जी कछु कछु हमसे कहते हैं कि तुम डबल कथा काय करे, जल्दी मर जाओ, कछु जानत है कि हम पैसा के लोभ में कथा कर डबल, पैसा चाहने हो तो हम मोम फाड़ के पहले ही कह देते कि 2 लाख ले हैं, करवाना हो करवाओ ना, हमारी एक तो चल ही रही ना, हम ये कई जगह इकट्ठे ले लेते, 2 जगह काय हो परेशान होते। महाराज जी आज आपको आत्मा की बात बता रहे, हम इसलिए डबल कथा और तिवल करते हैं कि शरीर को हम सोच रहे हैं ओट ले, एक ठिकानो नहीं है कि जो हमें कबे छोड़ के चलो जाए, इसे जितनो जल्दी हो सके इसे हम काम लो चाह रहे हैं, एक भरोसा नहीं है जो हमें कबे छोड़ देवे, और जो ही तुम्हारों को हाल है कोई भरोसा नहीं है तुम्हें कब छोड़ देगा, इसलिए जितने अच्छे काम होएं वे सब कर डालियो जल्दी, जितने अच्छे काम होएं वे सब जल्दी कर ले, समय अच्छो चल रहा हो, परिवार अच्छो हो, गांव अच्छो हो, संगत अच्छी हो, साथ अच्छा हो, तो अच्छे काम कर लो, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो आदमी बुरा करता नहीं है, बुरा हो जाता है, कोई बुरा नहीं करना चाहता, पर जब समय खराब होता है तो अपने आप सब बुरा होने लगता है। हम इसीलिए शरीर को, क्योंकि बहुत दुर्लभ तन है, जो का पता अगले जन्म में कुत्ता गदा के मल के कीड़ा बन के आए, का ठिकानो है जीवन को। अबे भगवान ने बुद्धि दई है, समय दो है, तो हम सोचते हैं गाली जित्ती कथा गा पाओ, कम से कम ठाकुर जी से कहे हैं तो कि 24 घंटा में ज्यादा नहीं तो 10 घंटा तो हमने आपको दाए हैं, 24 घंटा में ज्यादा नहीं तो 10 घंटे हमने आपको दिए हैं, और 10 नहीं तो हम इतने तो हो जाता है 11-12 घंटा। सुबह से महाराज जी का आदत है 14-15 साल से 3.5 घंटे भोलेनाथ का अभिषेक करता हूं, ये शुरू से आदत में रहा है, 14-15 साल हो गए निरंतर, उसके बाद दुनियादारी के कोई काम देखता हूं, पहले तो उठ के सबसे पहले भोलेनाथ का अभिषेक 3 घंटे हो जाए, और फिर इसके बाद जो दुनियादारी है उसमें लग जाते हैं। तो निवेदन यह व्यास पीठ आज से सिर्फ इतना कर रही है कि भगवान से कोई संबंध बनाना, और दूसरी बात एक और सुन लियो, भगवान से कोई ना कोई संबंध बनाना, और भगवान ने जिससे तुम्हारा संबंध बनाया है उसको ईमानदारी से निभा देना, उस संबंध को ईमानदारी से निभा देना। तुम्हें भगवान ने अगर किसी माँ का बेटा बनाया है तो माँ का कर्ज चुका देना, किसी बाप का भविष्य बनाया है तो उस बाप की इच्छाओं को पूरा कर देना, भगवान ने तुम्हें किसी का भाई बनाया है। एक बात और हमारी ध्यान से सुन लियो भैया, आज को आदमी पता है क्या करता है, आज का आदमी क्या करता है, आज का आदमी जब भैया मर जाते है, जब वो कंधा देवी के लाने तो तैयार रहते हैं, और रोते क्या नहीं रोते। अच्छा वाह, चलो खूब खूब बधाई भगवान जन्मदिन की, खूब यशस्वी हो, दीर्घायु हो, नामवान हो। आज भाई जब मर जाता है तो तुम कंधा देने तो जाते हो, पर जब भाई जिंदा रहता है तो उसको हाथ लगाने नहीं जाते हो, कितने दुर्भाग्य की बात है।
भाई के मरने पर कंधा दे पाओ चाहे न दे पाओ, पर जीते जी सहारे का हाथ भाई की तरफ जरूर बढ़ा देना। तुम भगवान से रिश्ता बनाना और भगवान ने तुम्हारा जो रिश्ता बनाया हो उसको ईमानदारी से निभा देना। भगवान ने अगर तुम्हारे हाथ बड़े किए हों, चाहे बुद्धि में, चाहे धन में, चाहे पहुंच पकड़ में, तो कोशिश करियो कि इन हाथों से दूसरे की टांग न खींचियो। आज आदमी के तन न हाथ बड़े भय, चाहे पैसा में, चाहे राजनीति में, चाहे पहुंच पकड़ में, चाहे ज्ञान में, फिर वो महाराज जी इन हाथों से दूसरे को सहारो नहीं देते, दूसरे की टांग खींच रहे हाथ उपयोग करत है कि नहीं करत। पर कोशिश करना कि अगर तुम्हारे हाथ बढ़ गए हों तो किसी की टांग मत खींचना, पर अगर कोई गिर रहा हो तो उसको हाथ दे के उसे सहारा जरूर दे देना। समझ लेना कि तुमने भगवान के बनाए रिश्ते निभाए हैं। चलते चलते आज आप सबने खूब प्रेम स्नेह सम्मान मान दिया। इतनी अपार जन समुदाय में उपस्थित होकर आपने हम जैसे मूर्ख को सुना, तुमने हमें खूब दाओ पैसा दाए, पांव परे सम्मान दाओ, रोटी दई, अब हम तुम्हें का दे दें यार। हम ये टेंशन में आए कि तुम्हें का दे दें हम, काय महाराज का दे दिए अपने। देखो हम ठेरे बाबा, हम तो तुम्हें बारह ही दे सकत का हो तो ले फिर चाने, अपन तो बाबा है आदमी बाल ले ले और का दे दें, बारह ही है हम उन्हों के ले ले। भाई बाबा का दे सकत का है महाराज जी, बारह ही है अपने लगा तो बाल ले ले चाने बताओ। तब इस गया में पहली को रीच गाई हम सोई रीच से कम नहीं, बार ले ले ध्यान से सुनना, बार ही लेके जाइए देशों में। सात बार होते हैं सोमवार रविवार, सोमवार मंगलवार बुधवार शुक्रवार शनिवार रविवार, हम एक आठवां बार दे रहे हैं ध्यान से सुन लेना। और अगर ये आठवां बार संभल गया तो सातों बार संभल जाएंगे, और जो बार हम दे रहे हैं कहूं वो बिगड़ गाओ तो पूरी दुनिया में तो मंगल हो गए पर तुम्हारे घर में अमंगल ही रहे हैं। और अगर ये आठवां बार संभल गया तो तुम्हें हफ्ता में एक दिन मंगल को इंतजार न करने पर है। हम इन संत चरणों की साक्षी कह के वचन देते हैं, हर पल तुम्हारे घर में मंगल होगा, बस तुम इस आठवें बार को संभाल लेना। और उस आठवें बार का नाम है आपका परिवार। जिनका परिवार संभल गया उनका सब संभल गया, और जिनका परिवार बिगड़ गया उनका सब बिगड़ गया। भगवान से प्रार्थना करियो प्यारे कि ठाकुर जी नमक रोटी दियो, और कबहू कबहू नमक भी न दियो, अकेली रोटी दियो, पर परिवार के साथ बैठ के खाने का मौका देते रहना जनार्दन। अगर परिवार के साथ बैठ करके बिना नमक की रोटी खाओगे तो वो भी मीठी लगेगी, और छप्पन भोग धर के भीखे हो, और अगर परिवार दूर है तो वो छप्पन भोग भी तुम्हें गोबर जैसो लगे। इसलिए मेरे इस आठवें बार को संभाल के रखना, और उस आठवें बार का नाम है आपका परिवार। परिवार में हर व्यक्ति की एक कीमत होती है। महाराज जी एक दिन जी पांच ही लड़ पा रही जाके वे हम बड़ी, जाके वे हम बड़े, जाके वे हम बड़े, जाके वे हम बड़े, जा हम, अब बताओ काय में बड़े। जो कहने लगो हम सबसे बड़े, बोले काय, बोले पैसा कहने, बिना एक पैसा कहने को आए तो हम ही पे सदी। जो पाई सवार हो महाराज जी ऐसे मोटा है, हाँ जो पाई सवार हो ना ऐसे मोटो है, पाई सवार मोटे होते। जो कहने लगो हम बड़े, बोले काय, बोले हम पैसा के ना टाई बांधवे में, हम गठान लगावे में, हम
बिना नूह ठाकरे का ठान नहीं लगा सके, गोगे लगा ले जो कह रहा हो तो हम बड़े, जो नंजा बोली के हम आए बगल में खड़ी तुम इसे बड़ी कम हमने हुए तो का गिन ले आओ। इसने कहा हम बड़े, इसने कहा हम बगल में खड़े इसलिए तुम बड़े, जो नंजा बोल पड़ी के प्रत्यक्ष को का प्रमाण, प्रत्यक्ष को का प्रमाण देने हम तो बड़े हैं। जो नंजा बोली हल्ला ने कर हम सबसे बड़े, बोली काय, बोली भगवान को टीका लगाने, महंत जी को टीका लगाने, और एक और बोले क्या होते भी आओ में वो एग्रीमेंट सुबह अंगूठी पे रात है एंगेजमेंट। हाँ जा बोली के हम अंगूठी हम इनको पेराई जात हम बड़े। अब जा बेचारी चुपचाप ठाड़ी जा हल्की सी, इन कही हम बड़े, इन कही हम बड़े, इन हम अब जा चुपचाप। जा बोली तो फिर हम सबसे बड़े, बोले काय, बोले जब भगवान के हाथ जोड़त महात्माओं के हाथ जोड़त सो हम सबसे आगे खड़े, खड़े के नहीं खड़े सबसे आगे चिंगारी गई थे। अब इन पांचों का विवाद है कि कौन बड़ा है, पर ये अलग अलग रहेंगी तो कोई भी तोड़ देगा, पर जब ये ऐसी हो जाएंगी तो किसी की ताकत नहीं है। इसलिए परिवार में हर व्यक्ति की महत्वता है, हर व्यक्ति अपनी जगह कुछ ना कुछ अहमियत रखता है, पर कब, जब पूरा परिवार ऐसा हो जाए तब। बंद मुट्ठी लाख की वो खुल गई तो खाक की, कहावत तो तुम उन्होंने सुनी हो कैसी आए पता है कहां से बन गई यह कहावत। अब आज हमें तो टेम नहीं है ना, हम तुम जो बुंदेली कहावत बोलते हम होगी के साथ सुना देते तुम्हें, पर एक ही तो सुनाई ले। अब आ गई है बंद मुट्ठी लाख की वो खुल गई तो खाक की। यह ऐसी आए महाराज जी, एक राजा गांव मंदिर में पूजा करवे, पुजारी को पता लग गया राजा साहब आ रहे, बड़े आदमी आई सवारे आ रहे, उन भारी मंदिर सजाओ, भारी व्यवस्था करी, दो घंटा पूजा करवाई, और राजा साहब ने एक रुपया चढ़ा दो, और पुजारी ने कही 500 को तो हम तेरे मीठा ही रगड़वा दो भोग में, और इन्हें एक रुपया चढ़ाओ। अब राजा तो पूजा करके आ गए, पुजारी ने वो सिक्का लाओ मुट्ठी में दबा और बाहर आ गए। बोले जो राजा ने मंदिर में दक्षिणा चढ़ाई है उसकी बोली लगेगी, कौन खरीदना चाहता है। अब सबने सोची रे राजा के तब को हम चढ़ागा हो जे तो 10-50 हजार तो चढ़ाएगा हो जे, कहो हीरा चढ़ागा हो करोड़ खाड़ को। सो एक बोलो के हमने 11 हजार में लाई जा मुट्ठी, एक कह लगो 21 में, एक कह लगो 31 में, एक कह लगो 51 में, मंत्री खड़ो तो कह लगो 71 हजार में हमने लाई बा मुट्ठी। राजा के कानों में खबर पहुंची, राजा ने सोची पूरे गांव में हल्ला मच गओ के मुट्ठी खोलो, जब मुट्ठी खोल जब एक को निकाल जमाई हो जे बेइज्जती। सो पुजारी से कह लगो जी 1 लाख ले रे तत्ता मनो मुट्ठी ने खोलो, हमसे ले ले 1 लाख पर मुट्ठी ने खोलो। जय ऐसी आए तो बंद मुट्ठी लाख की वो खुल गई तो खाक की, एक रुपया चाहत हो। परिवार को संभाल के रखना, मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है। कई बार लोग बंद कर ले बच जा और का ये हलो 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 कागत भैया हलो हलो में नहीं। परिवार को संभालना इस कथा का यही सार है। कई देखो नीति कहती है, विद्वान लोग बैठे हैं महाराज जी, नीति कहती है कि अगर एक देश में एक जिला खराब है तो चलेगा, एक जिले में एक गांव खराब है तो चलेगा, एक गांव में अगर एक परिवार खराब है तो चलेगा। अब इसके नीचे हम कह रहे हैं अगर परिवार में एक व्यक्ति खराब है तो क्या वो नहीं चलेगा, वो भी चलेगा।
कई बार लोग कहते महाराज जो हमाओ भैया उल्टो है, जो हमाओ भैया उल्टो है, हमें उल्टों से नफरत है। आदमी कहते हैं कि हमें उल्टों से नफरत है। अगर बात बारे हो तो तुम्हें उल्टी से नफरत है। ज्यादा कराई हम कह नहीं रहे, आखिरी दिन है, काय को उसे कछु कहना हम बहुत ही खराब कह देते, समझ जाइयो। अगर एक बात बारे हो वो तुम्हें उल्टों से नफरत है तो सबसे पहले जो हाथ काट के फेंक दे अगर एक बात के हो तो, जो कौन सो हाथ आए उल्टो, जब एक उल्टो हाथ 24 घंटा अपने शरीर में लाए फिर रहे हो यार, तो एक आध उल्टो आदमी परिवार में भी लेके चले चलो, का दिक्कत है यार। जब एक उल्टो हाथ 24 घंटा शरीर में है तो एक आध उल्टो आदमी परिवार में लेके चलो, और एक उल्टे के संगे एक सीधे के, जो सीधो हाथ आए एक सीधे के संगे एक उल्टो चलत भी है, चलत है कि नहीं चलत। देखियो जो आए उल्टो, जो गौ मंदिर में पुजारी से कई प्रसाद देव, पुजारी ने कई भाग उल्टे उल्टे खुर को नहीं पूछे, सो जो भागे आओ जो रोन लगो सीधे ने पूछी काय रो रहे, उल्टो बोलो पुजारी ने भगा दाओ, सीधो बोलो हम देखा चलो हमारे संग पुजारी को। अब तो नहीं कई पुजारी में कई घों लग करो, हर आदमी ऐसे ही चरणामृत लेते, एक सीधे के नीचे एक उल्टो गाओ के नहीं गाओ, पुजारी ने प्रसाद दाओ इन्हें प्रसाद पीलाओ, जो फिर रोन लगो रे इन्हें कई अब काय रो रहे, बोले हम भगत गए भगत आए तो प्रसाद तुमने ले लाओ, जो सीधो बोलो तनक साथ आ तो पकड़। हर आदमी की आदत है महाराज जी चरणामृत लाओ, करत है कि नहीं करत, हर आदमी एक हो मिलो कि नहीं मिलो। निवेदन बस इतना है आप सबसे मेरा बार बार के परिवार को संभालना, और एक बात और सुन लो, अब जो माँ बाप का नहीं हो सकता वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता है। जो 9 महीना जो मताई के पेट में रहो, जब वो ऊको नहीं भाओ तो ये रोड़ा गांव में रह के तुम आओ कहां से हो जे, हमें इतनी बता दे अकेले। दूसरी बात, जो संपत्ति के लिए सगे भाई को धोखा दे सकता है वो संपत्ति के लिए तुम्हें मरवा के भी फेंकवा सकत है। वो आदमी से कहो दोस्ती न करियो जो सगे भज्जा को धोखा दे दो उन्हें जमीन जायदाद के लाने, अगर उन्हें सगे भज्जा को नहीं छोड़ो आए तो तुम्हें मरवा के फेंकवा दे, जो ध्यान रखियो। इन दो लोगों से कभी दोस्ती मत करना, एक जिसने भाई के साथ गद्दारी की हो और दूसरा जिसने माँ बाप को अपने से दूर कर दिया हो, वो कभी किसी का नहीं हो सकता। इन लोगों से कोई व्यवहार मत रखना, ये व्यवहार रखने के लायक है ही नहीं। तो हमारे बाबा बार ले जज्जो, समझ गए, परिवार को ले जाना, परिवार को संभालना। आप चर्चा में सुन रहे थे कल भगवान के 16108 विवाह हो गए। अब भगवान श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि आपने कई बार कथा में कहा कि भगवान दीन बंधु हैं, दीन बंधु हैं, क्या भगवान ने ऐसा कोई काम किया जिसके कारण भगवान दीन बंधु कहलाए? सुखदेव जी कह रहे तो सुनो, उस सुदामा चरित्र सुनाओगे। अभी तक आप लोगों ने जो सुदामा चरित्र सुने हुए हैं उनमें जो ही सुनो हो जाए कि सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण हतो, यही सुनाई गई तुम्हारों को। सुदामा घर घर भीख मांगत तो यही बताई गई, सुदामा के घर में बहुत विपत्ति हती यही सुनाई गई। जधरी है भागवत को मूल पाठ ले आओ, अजय में तम हुए एक श्लोक बता दे हमें, लिखो पूरी भागवत में कि सुदामा के घर विपत्ति हती, सुदामा घर घर मांगत तो के सुदामा दुखी हतो। महाराज जी एक श्लोक नहीं लिखा व्यास जी ने,
आप तो स्वयं प्रवक्ता हैं भागवत के, एक श्लोक नहीं लिखा सुव्यास जी ने सुदामा के खिलाफ में, पर गलती आप लोगों की नहीं है, गलती हम जैसों की, विशेषकर हमारी, हम को दोष नहीं दे रहे, हम जैसे व्यासों की, हम जैसे पंडितों की गलती है। कहा आखिरी दिना भागवत में कोनो गांव के काद बूढ़े को बुलाओ, फटी धोती पहरा दई, बाल्टी दे दई। अब सुदामा भीख मांगत फिर रहो है पूरे पंडाल में, कितनी डार दे तुम और को पांच को दस कोनो यहां सो तो बैठो नन्या कि हम कोनो को सुदामा बना देवे, और तुम्हें लगे रे सुदामा बहुत गरीब बामन है, एक एकड़ की रजिस्ट्री करें दे रहे हम ओके नाम है सो कोनो पंडाल में डार दे हुई काद दो एकड़ की कि चलो तुम और बैठी कि चलो जाए दो तोला की चैन हमने सुदामा खुदाई गरीब है। दस पांच रुपये से ज्यादा आप कुछ नहीं करोगे, है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। उस सुदामा को आज के व्यास भीख मंगवा रहे, महाराज जी हम तो इसके सख्त खिलाफ हैं, हमने अपनी कथा में झांकी बनन देवे न स्वरूप बनन देवे, राधा कृष्ण बना के जीवरे बजा रहे हैं पल्लो लटके पल्लो लटके, और राधा कृष्ण नच रहे हैं और अपन थपड़ी बजा रहे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, तुम भगवान को मंचों पे नचा रहे यार, तुमने तमाशो बना दो ठाकुर जी को आज की कथा आज को ना, जरूरी है कि बिना स्वरूप के कथा नहीं हो सकत। बामन भगवान भाई कोनु मोड़ी मोड़ा को छत्ता दे के बाल्टी दे दे मंगल यार, भगवान ने भाई यार तुम्हारे लाने में भिखारी हो गए, सीधी बंदूक लेके लूटो ना, धर्म को धंधा मत बनाओ, धर्म को सिर्फ धर्म रहने दो, धर्म का धंधा नहीं होना चाहिए। आप लोग इस चीज का विरोध किया करो, अगर कोई पंडित जी सुदामा बना रहे हैं तो उनसे पूछो कि कहां लिखो है कि सुदामा पंडालों में भीख मांगत, दो ज्यादा पैसा चाहने हम खुद ही उतरे यहां झोली ले, पर हम सुदामा जैसे व्यक्तित्व को भिखारी नहीं बनाएंगे। अब आओ हम बता रहे सुदामा चरित्र कहां से शुरू हुआ है, कृष्णस्यादीत इस लोक से है, कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः ब्रक्तिन्द्यार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः, ये श्लोक है सुदामा जी की शुरू यहां से। श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा, देखो क्या दूरदृष्टि है व्यास जी की, ये नहीं लिखा कि सुदामा के मित्र कृष्ण हैं, कृष्णस्यादीत सखा कश्चित, कृष्ण के मित्र सुदामा हैं, चाहते तो लिख देती कि सुदामा के मित्र कृष्ण हैं, पर उन्हें भाव बदल गए। उदाहरण अबे तुम इस क्षेत्र में कैद फिरियो चार छह जनों में बैठ के कि अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमसे बिना पूछे कहूं दस्तखत करता ही नहीं, आदमी समझ जाए कि खिसक गौरी जो राजनीति में पागल या होगा, गर्मी भी पड़ रही थी और जो जल्दी खिसक गौ, ये से पूछे मोदी जी, और अगर एक बार मोदी जी विधानसभा में आके मंच से कह दें कि फला व्यक्ति मुझे पूरे देश में सबसे खास है, कोई दिन तुम्हारे बारे नहीं आ रही हो जाए पूरे भारत में हो जाए कि नहीं हो जाए, पहले तुम कैद फिर रहे थे कि खास है, सो आदमी तुम्हें समझ है पागल, अको भी कह देवे कि हमारे खास हो तुम्हारे होने बारे नहीं आ रहे, तो सुदामा गली गली चिल्लाए कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, लोग पागल समझते, पर जिस दिन एक दिन द्वारका के सिंहासन पर बैठकर भगवान ने कह दिया ये मेरा मित्र है, पूरी द्वारका चरणों में बिछ गई। सुदामा गरीब ने हतो, और तुम्हारे सब अच्छे बैठे हो, बताइयो अगर सुदामा गरीब हुए तो, हम बता रहे सुदामा की कहानी सुना रहे, फैसला तुम्हारे करियो कि सुदामा गरीब है कि अमीर है। जब श्री सुदामा जी द्वारिका गए, भगवान ने अपने पलंग पर लिटा लिया और भगवान सुदामा के पांव दबा रहे हैं,
भगवान सुदामा के पैर दबा रहे हैं। रुक्मणी ने विचार किया कि द्वारिका में एक से एक मेहमान आए गए, बड़े बड़े लोग आए, पर महीनों ठाणे रहे हमारे स्वामी बाहर नहीं निकले। और ऐसो कैसो मेहमान आ गए, फटी धोती पहरे हैं, बेमाई पटी हैं, आते दिखा रही भूख में, भगवान पांव दबा रहे। लक्ष्मी समझ गई रुक्मणी कि जो कोनो साधारण आदमी नहीं आओ आज द्वारिका, तो बेत गंगा में हम भी डुबकी लगाई गए। सो भगवान पांव दबा रहे, वो लक्ष्मी सुदामा को पंखा हला रही है। अब बताओ सुदामा गरीब है कि अमीर है, जेके भगवान पांव दबा रहे हो, जेको लक्ष्मी पंखा हला रही हो, वो अमीर है कि गरीब? हाँ, ये किस लोक में हुआ है महाराज जी?